संगत मान ले आओ। बताओ आप हमारा सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? हमारा घोषणा पत्र पढ़ ले, ये हमारा वचन पत्र है। सुन पड़ गए वोट डालेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग शून्य हो जाएंगे। ये बात मैं मान लू कि न मान लू? और जो गर्मी निकालने वाले हैं उनको कल देखा कि नहीं देखा टीवी पर सुबह? उनकी भाप अपने आप निकल गई। अब वो बातें पता नहीं किस बात के लिए कर रहे हैं। हरियाणा से उन सब जगहों से आ रही है, क्या उसको लेकर क्या थॉट है समाजवादी पार्टी का? देखिए हमने जिस समय चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए थे उस समय पूरी सरकारी मशीनरी लगा करके भीड़ का इंतजाम किया जाता था, और अभी सुनने में आया है कि दूसरी स्टेट से भीड़ बुलाई जा रही है। इसका मतलब ये है कि जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएंगे। और ये भुगतान न होना, पहले क्योंकि सरकारी पैसा था नीचे कुछ आ नहीं रहा है, वो कम जानकारी में आता था, लेकिन इस बार जो बीजेपी ने पैसा नहीं दिया उनका, इसके लिए इसकी वजह से उनकी पोल खुल गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी, कितनी भी आदर इधर उधर की स्टेट की नहीं आई है। अखिलेश जी, अभी आपने किसी टेनी जी के बेटे को आज द्वितीय की रिहाई हो जाएगी, बार बार ये मुद्दा उठाते हैं, कैसे इसे देखते हैं? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को इतनी जल्दी क्या है किसी की रिहाई के लिए? भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दी में क्यों रिहाई के लिए? क्योंकि वो जानते हैं सरकार बदल जाएगी तो पैरवी अच्छी होगी, वो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अच्छा, हमला हुआ सर कल के दिन आपके सुभाष पर? इस बार सभी सीटें रायबरेली की समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। सर ओम प्रकाश राजभर पर कल हमला हुआ सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे दुख है इस बात का कि ओम प्रकाश राजभर जी के साथ इस तरह की घटना हुई है। ये बीजेपी के लोग जानबूझ करके घटना करा रहे हैं जिससे लोग घबरा जाएं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से अपराधियों से घबराने वाले नहीं है। आप सोचिए इनकी सरकार में अपराधी क्रिकेट खेल रहा है, माफिया क्रिकेट खेल रहा है, वो 25,000 इनामी है, वोट मांग रहा है।